नमस्कार। तो कैसे आप? और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले, क्योंकि मनोलो मार्केज ने अपने जो प्रोबेबल्स हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लिए, जो कि अभी 3 सितंबर से चालू होने वाला है, उसके जो नाम है वो जारी कर दिए हैं और कुछ हमको चेंजेस जो है स्क्वाड में देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मनोलो मार्केज जो है वो यूनिक कुछ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्क्वाड सिलेक्ट किया है, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मिस लग रहे हैं जो कि इगोर के टाइम पे काफ़ी मतलब कि खेला करते थे। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया गया है, लेकिन उसके पीछे मे भी हो सकता है कि न्यू अदर प्लेयर्स को ट्राई किया जाने का मन होगा मनोलो मार्केज का, तो मे भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर अभी देखिए, मैं यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म या ऐसा कुछ नहीं चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा मनोलो मार्केज पर जो है थोड़ा विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ करने की चाह रख रहे हैं तो उनको पहले करने देते, पहले ट्राई करने देते, क्योंकि ये भाई पहला कैंपेन है, पहला उनको जो है एक प्रोजेक्ट मिला है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप में वो क्या कर सकते हैं। तो इसमें वो मे बी एक अपनी खुद की फर्स्ट 11 बनाना चाह रहे होंगे। तो अभी उन्होंने कुछ नए प्लेयर्स को जिस तरीके से चांस दिया है, तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को क्यों नहीं लिया गया, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो हम एक लाइन से जो पूरे स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं, तो गोलकीपर में 3 प्लेयर्स लिए हैं, गुरप्रीत संधु, अमरिंदर सिंह और प्रभुसुखन गिल। तो देखिए, इसमें 2 प्लेयर्स हमारे रेगुलर हैं, जैसे कि आपको पता है गुरप्रीत संधु और अमरिंदर सिंह। अभी प्रभुसुखन गिल एक न्यू एडिशन हो गए, क्योंकि देखिए अक्सर जो है विशाल कैथ या लाचिनपा का नाम आता है, अभी प्रभुसुखन गिल का नाम आ रहा है। तो अभी मनोलो ने उनमें क्या देखा है ये भाई वही बताएंगे, मैं तो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ पर बेटर ऑप्शन अगर बोलें तो मैं जो है प्रभुसुखन गिल के ऊपर जो है मैं विशाल कैथ और लाचिनपा को रखूंगा, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है। उसके बाद स्टॉपर में जाएंगे तो राहुल भेके, चिंगलंग सना सिंह, अनवर अली और मेहताब सिंह, ये 4 ऑप्शन हमारे पास स्टॉपर में है। तो देखिए, स्टॉपर का जो सिलेक्शन है मेरे हिसाब से सही है। बाकी देखिए, मेहताब के साइड से हमको अक्सर वो परफॉर्मेंस जो हम उम्मीद करते हो कभी देखने को मिला ही नहीं है। तो आई होप कि अंडर मनोलो, क्योंकि मनोलो ने अगर मेहताब को यहाँ पर पिक किया प्रोबेबल्स के लिए, तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा मे बी, तो वही जानते होंगे तो किस तरीके से मेहताब को खिला सकते हैं कि उनको पता होगा, तो मे बी हमको कुछ चेंज देखने मिले। अब यहाँ पर कई लोग ये बोल रहे हैं कि लालचंद मुंगा को क्यों नहीं लिया गया है, यहाँ पर संदेश झिंगन को क्यों नहीं लिया गया है। तो देखिए, संदेश झिंगन तो काफ़ी टाइम से इंजरी पे है और अभी वो वापसी कर रहे हैं, तो अभी एकदम से उनको मतलब कि सीनियर टीम में खिलाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। पहले उनको थोड़ा सा क्लब के लिए खेल लेने दो, और वो तो वैसे भी रेगुलर प्लेयर हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आ ही जाएंगे स्क्वाड में। और रही बात लालचंद मुंगा की, तो लालचंद मुंगा एक ऐसे प्लेयर है जिनको कई बार स्क्वाड में लिया गया लेकिन कभी भी उनको प्लेइंग दी नहीं गई। तो मनोलो यहाँ पर ट्राई एंड टेस्टेड स्टॉपर की लाइन देख रहे होंगे। तो ये जो 4 स्टॉपर सिलेक्टेड है ये ट्राई एंड टेस्टेड है, इनके साथ पहले हम इंडियन फुटबॉल टीम हमारी खेलती रही है, तो मे बी ये अभी मनोलो ने सोचा कि स्टॉपर में ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं करना चाहिए, तो ये भी ठीक है मेरे हिसाब से। देन फुलबैक में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास निखिल पुजारी, रोशन सिंह, जय गुप्ता, आशीष राय की वापसी हो चुकी है एंड सुभाषिस बोस। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आशीष राय भाई अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं तो उनको यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि आशीष राय जैसे प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। तो मनोलो ने भाई जो अपनी बात बोली थी कि आशीष राय जैसे प्लेयर्स को चांस मिलेगा, अब कैंप में उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि क्यों उनको जो है मेन स्क्वाड में लिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर बाकी सब ठीक है, लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा कि अमय रनावड़े को नहीं लिया गया। देखिए, आकाश मिश्रा तो इंजर्ड चल रहा है तो उनका तो यहाँ पर अभी सोचना भी कोई मतलब की बात नहीं है, लेकिन अमय रनावड़े का परफॉर्मेंस ISL में काफ़ी अच्छा रहा है, उनको इंडियन टीम का हिस्सा भी बनाया गया लेकिन उनको प्लेइंग नहीं दी गई थी, लेकिन एटलीस्ट उनको यहाँ पर ट्राई किया जा सकता था मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मनोलो ने अभी उनको नहीं लिया है तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मे बी अमय को इस सीजन भी कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, मे बी ऐसा हो सकता है। बाकी जो फुलबैक्स का सिलेक्शन है मेरे हिसाब से तो सही है, इन सभी प्लेयर्स ने इंडियन टीम के लिए जब जब खेला है अच्छा खेला है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन में कुछ भी गलती नहीं है। उसके बाद डिफेंसिव मिडफील्डर्स की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर 3 हमारे पास ऑप्शन है प्रोबेबल्स लिस्ट में, जो कि जिक्सन सिंह, पूटिया को यहाँ पर जो है चांस दिया गया है और अपुइया। तो देखिए, सबसे पहले तो पूटिया को यहाँ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पूटिया जो है एक ऐसे प्लेयर है भाई जो डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट उनको कैंप कॉल तो आना ही चाहिए, बिकॉज उड़ीसा FC में जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो देते रहे हैं पूरे सीजन, उसके पहले KBFC में भी मुझे उनके परफॉर्मेंस कोई भी मतलब भाई दिक्कत नहीं थी पहले, तो मैं तो बिल्कुल उनको चाहता था कि उनको एटलीस्ट भाई कैंप कॉल तो हमेशा मिले, लेकिन इगोर तो भाई उनको कैंप कॉल भी नहीं देते थे। तो मनोलो ने एटलीस्ट उनको प्रोबेबल्स में तो लिया है, ये जान के मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर पूटी अपने आप को प्रूव करके दिखाएं एंड दैट्स इट। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि दीपक टांगरी का नाम यहाँ पर नहीं आया, तो
तो काफी फैंस के मन में है कि दीपक टांगरी ने तो भाई इंडियन टीम के लिए हमेशा अच्छा किया है। तुम्हें भी यहाँ पर यह हो सकता है कि दीपक टांगरी को मनोलो ऑलरेडी खेलते हुए देख चुके होंगे, तो यहाँ पर दीपक टांगरी को ड्रॉप करके पुटिया को ट्राई करके देखना चाह रहे होंगे कि क्या पुटिया में भी कैपेबिलिटीज है कि भाई वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सके। तो मैं भी देखते हैं, बाकी सिलेक्शन तो मेरे साथ सही है, जिक्सन सिंह अच्छे कर रहे हैं और यहाँ पर अपुया तो एज ऑलवेज मतलब हमेशा ही अच्छा करते हैं। देन अटैकिंग मिडफील्डर में चलेंगे तो सुरेश सिंह, अनिरुद्ध थापा और सहल का हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रोबेबल लिस्ट में, तो तीनों मेरे हिसाब से भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है और ये तीनों तो जाएंगे मेन स्क्वाड में हमको जैसा कि पहले से पता है। अब यहाँ पर एक नाम मिसिंग है, वो है ब्रेंडन फर्नांडिस, क्योंकि ब्रेंडन फर्नांडिस आपने देखा है भाई लास्ट सीजन क्या सीजन रहा उनके लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग, और हमेशा इंडियन टीम में जब भी सेट पीसेस के लिए तो मैं उनको बेस्ट मानता हूँ। तभी मनोलो ने उनको क्यों नहीं लिया, इसका कारण तो वही बता सकते हैं, बिकॉज वो तो एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास है कि जब चाहिए तब वो काम आते हैं। सेट पीसेस में आपको पता है क्या बॉल डिलीवरीज उनके साइड से आती है। तो ब्रेंडन का नहीं होना मुझे थोड़ा सा ऐसा खला भी है कि मनोलो ने ब्रेंडन को क्यों नहीं लिया। अब मे भी कुछ उन्होंने सोचा, क्योंकि मैं यहाँ पर यही समझ रहा हूँ कि मनोलो कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, तो मे भी ऐसे कई प्लेयर्स को उन्होंने ड्रॉप भी किया है। देन विंगर्स की तरफ हम चलेंगे तो महेश सिंह, नंदा कुमार, यासिर और छांगटे का ऑप्शन हमारे पास है। तो इन चारों प्लेयर्स को देखते हुए यही लगता है कि मनोलो मार्केस उन्हीं प्लेयर को लेकर अभी खेलना चाहते हैं जिनको पहले ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल टीम में देख चुके हैं, कोई भी नए प्लेयर को विंग्स पर अभी ट्राई करना नहीं चाह रहे ये देख के लगता है। और अभी अगर इन चारों प्लेयर्स की बात करें तो भाई अभी कमाल खेल रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चारों प्लेयर अच्छे से ही सिलेक्शन हुआ है मैं कह सकता हूँ। देन फॉरवर्ड लाइन की तरफ हम चलते तो यहाँ पर एक नाम हमको जो है नया देखने मिल रहा है, किया नासिरी, देन एडमंड यहाँ पर है, मनवीर है और लिस्टन कोलासो है। तो देखिए इन्हीं चार प्लेयर में से हमारा कोई स्ट्राइकर बनने वाला है ये तो आप समझ लीजिए। हालांकि ये बात अलग है कि भाई ये ज़्यादा जो प्लेयर्स है ये विंग्स पे ज़्यादा खेलते हैं कि वो एज अ स्ट्राइकर कम खेलते हैं, क्लब लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे एडमंड को बोला जाता है कि वो प्रॉपर स्ट्राइकर है, मनवीर को बोला जाता है कि वो भी प्रॉपर स्ट्राइकर है, बाकी कियान और अगर लिस्टन की बात करी जाए तो विंग्स पे ही खेलते हैं, बाकी मनवीर और एडमंड तो ऐसा है कि वो एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं और विंग पे भी खेल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बात ये आ रही है कि अभी जैसे एक जैसे अगर मनोलो की हम फॉर्मेशन देखते हैं तो 4-2-3-1 है, तो उसमें एक ही स्ट्राइकर के साथ हम खेलेंगे, तो बाकी विंग्स पे तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि कियान को भी ट्राई किया सकता है और लिस्टन को भी ट्राई किया सकता है, बाकी एडमंड और मनवीर में से हमारे स्ट्राइकर तैयार होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए कियान को यहाँ देखकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी है और थोड़ी खुशी भी है, क्योंकि कियान का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है लेकिन लास्ट सीजन उतना खास नहीं रहा है, लेकिन मनोलो ने अभी उनमें कुछ देखा है भाई, तो वो मनोलो ही जानते कि अभी कियान को उन्होंने प्रोबेबल लिस्ट में लिया है, तो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या कियान में पोटेंशियल है। तो यहाँ पर अगर उनको लगेगा तो मेन स्क्वाड में भी लेके जाएंगे और मैं भी ट्राई करके देखेंगे कि क्या निकलता आउटकम कियान के साइड से। तो देखिए ओवरऑल स्क्वाड की बात करेंगे तो मैं तो खुश हूँ ओवरऑल स्क्वाड से, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा उन प्लेयर्स को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कि मनोलो का ये फर्स्ट कैंपेन है एज अ नेशनल टीम हेड कोच, तो यहाँ पर वो कई चीज़ें ट्राई करेंगे, मे बी नेक्स्ट जो टूर्नामेंट आएगा मे बी उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि उनको एक अपनी खुद की एक लाइनअप ढूंढना है, तो अभी उस सब प्लेयर को टेस्ट करके देखेंगे और जो बेटर लगेगा उसके हिसाब से फिर अपनी एक लाइनअप बना के आगे जो है मे बी एशियन क्वालिफायर्स में खेलेंगे। तो देखिए 31 तारीख से जो प्रिपरेशन कैंप चालू होगा इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लिए, तो केवल 3 दिन है हमारे पास, मतलब 31 तारीख 1 सितंबर और 2 सितंबर, क्योंकि 3 सितंबर को तो मैच है, तो इन 3 दिन में ही जो है वो एक टीम बन जाएगी हमारी और देखते हैं कि मनोलो के अंडर क्या बदलाव हमको देखने को मिलता है। तो आप अभी जो प्रोबेबल लिस्ट आई है 26 प्लेयर्स की, इससे आप खुश हैं, नाराज़ हैं या आप एक्साइटेड है मेरी तरह, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर अभी खुशी नाराजगी कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट है कि मनोलो के अंडर इंडिया खेलेगी कैसे और ये जो प्लेयर्स लिए हैं ये कैसे खेलेंगे जो भी है। तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।